हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग्स। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 4, तो मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद टू जज ए डांस चैम्पियनशिप गुजरात डांस आइकन सीजन 2। यस गाइस, तो जैसे कि शैडो को देख सकते हो और मेरे को भी देख सकते हो, इट्स नॉट फनी, टॉपिक पे आते हैं। यस, मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद एक डांस कंपटीशन जज करने के लिए जिसका नाम है गुजरात डांस आइकन सीजन 2। और आज मेरी ट्रेन है अपना मुंबई सेंट्रल से, और मैं पहुंच जाऊंगा 12 बजे तक, और इवनिंग को मेरा वर्कशॉप है। देन डे आफ्टर टुमारो आई हैव टू जज। यस गाइस, तो 2 दिन का इवेंट है, एक दिन वर्कशॉप और एक दिन जजमेंट। तो देखते हैं, ये जर्नी मेरे साथ बने रही, इंजॉय करते हैं। ओके, सी यू। तो जैसे कि गाइज आप लोग मुझे देख सकते हो, मैं बैठ गया हूँ ट्रेन में, और ये ट्रेन थी तो बहुत अच्छी। नज़ारा देख सकते हो अभी आप, बाहर का नज़ारा देखो। और या आप ये लोग मुझे देखिए, थोपड़ा तो कुछ जाना पहचाना सा है, लेकिन फिर भी देख लो आप। और ये एक और बार देखने के लिए रेडी हो जाओ। गाइस, मुझे आ रही थी बहुत नींद, और मेरे सामने बैठ रखे थे बहुत सारे ऐसे लोग, तो मैं वीडियो पे क्या ही शूट करता, इसलिए मैंने ऐसा लगा दिया, बस अपने थोपड़ा कैप्चर कर लिया थोड़ा बहुत, और मैं थोपड़ा देख सकते हो सोता हुआ। मुझे बहुत नींद आई थी। सो यस गाइस, मैं पहुंच गया हूँ अहमदाबाद, और ये जो ट्रेन थी बहुत बढ़िया थी, स्लीपर नहीं थी, सीटिंग थी, बट अच्छी फैसिलिटीज है ना थी। यस, आई एम हियर अहमदाबाद सिटी। सो यस गाइस, मैं पहुंच गया हूँ अहमदाबाद, द पीपल इज हियर। हेलो मिस्टर सूरज जी, बस बढ़िया। ओके, तो अभी कुछ बोलेंगे नहीं भाई, इवेंट का यहाँ पे चल रहा है कुछ, हम मिलते हैं आगे। बाय बाय। सो गाइस, जिसके गाड़ी में मैं बैठा हूँ ना, तो प्रशांत शर्मा जी नहीं, तो मैं प्रोफेसर चला रहा है, सिर्फ गाड़ी इनकी है, इनकी है। अच्छा, ठीक है, गाड़ी आपकी है ना, तो ये मैम की गाड़ी है, तो इनके हस्बैंड जो है आर्मी से रिटायर है और अभी आरबीआई में, तो आप समझ सकते हो फिर मैं बिना डरे बैठ सकता हूँ, सेफ हूँ। पूछो सर, काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं अभी? नोट छपा देता हूँ। नोट छापते हैं सर? नोट छापते हैं, हैंड नहीं छपा, आरबीआई में। तो गाइस, मतलब मैं अहमदाबाद पहुंच गया हूँ, सेफ भी हूँ, सब चीज हूँ, यहाँ से इतने सारे नोट लेके जाऊंगा। नहीं, नोट के बंडल। नोट के बंडल, हाँ, बहुत लोग यहाँ पर गरबे सिखाने वाले हैं इसके लिए। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं डांस कोरियोग्राफी नहीं सिखाऊंगा, आज मैं गरबा सिखाऊंगा, क्योंकि ये भाई साहब को भी 20 दिन के 2 लाख रुपए दिए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ अहमदाबाद में शिफ्ट हो जाऊँ, हाँ, यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ। मैम, आप ढूंढ दीजिए मेरे लिए कुछ गरबे का। नहीं, लेकिन इधर से जाता है, यहाँ से पैसे मिल सकते हैं ना, नोट छपते इधर से, आराम से डायरेक्ट आपको कॉन्टेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे, और बहुत सारा आप कुछ भी कर सकते हो गरबे के, जो भी चाहिए नॉर्मली। चलो गाइस, मेरा फ्यूचर सिक्योर, बस अभी आप अपना देख लो, और आप में से भी किसी को चाहिए तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा, सूरज सर का डाल दूंगा, इनसे बात कर लेना, और ये बीच में से थोड़ा थोड़ा खाचा मारेंगे, तो आप अपने हिसाब से फिलअप कर लेना उसको, गुलाबी में से एक हरी पत्ती मेरी। हाँ सर, और मुझे कुछ बनना है, मतलब जैसे कि डांस प्लस है या फिर डांस प्लस है ना, उसमें टीवी शो में जाना है, कुछ ना कुछ करके ऐसा कुछ जाना है मेरे को, बहुत मेरा सपना है टीवी शो में जाने का, तो बताओ ना मुझे उसका आइडिया, मुझे क्या करना, कैसे आना पड़ता है पहले, मैं पर्दे में जो इस तरीके से देखना चाहते, जैसे आप लोग गए इस तरीके से मुझे ऐसा देखना, मतलब इतना हार्ड डांस तो नहीं कर सकता, मगर कुछ छोटा मोटा ऐसा जैक लग गया मेरा, कुछ एक सेकंड का, मतलब
15 सेकंड का कुछ हो जाए, रील वील होता है कुछ, ऐसा कुछ हो जाए तो सेट हो तो मजा आ जाए। तो वो टीवी में देखना चाहिए या तुम खुद रिकॉर्ड करना चाहते हो? मतलब टीवी में देखना चाहिए सबको वैसा। तो मेरे को आपको डांस अच्छा करना पड़ेगा। यस मैं करूँगा, वही आपको लिख जाएगा। मतलब इतना बड़ा नहीं कर सकता जितना आप लोग करते हो ना, ऐसा इतना ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ नहीं, जो कि आप कर सकते। इनको सब 15 सेकंड ही करना है। 2 मिनट सॉरी, 1 मिनट का भी चलेगा, 1 मिनट का चलेगा, मुझे कोई वांदा नहीं मैंने। अरे 1 मिनट का चलेगा, मैं मैंने कोई खबर नहीं, ऐसा हो जाएगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो वांदा नहीं है तो पर ऐसे ही आना है, अगर रील बनाने आना है तो मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ अभी, ऐसे रील बना के फिर तुम आ सकते। हाँ तो वांदा नहीं, मतलब कब जाना है सर हमको? गुजरातीन जल्दी जल्दी में बुलाऊंगा। ठीक है ठीक है, पक्का ना? पक्का। थैंक यू सो मच सर, आप याद रखो मुझे। लेकिन टीवी पे नहीं आएगा वो? टीवी पे नहीं आएगा, मतलब उसके बाद तो तुम वहां पे रील बना के ट्राई करूंगा तो हो जाएगा ना कभी ना कभी। तो गाइस मैं टीवी पे कुछ दिनों में आने वाला हूँ और सर के हेल्प से आऊंगा। नहीं 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 गाइस, मेरी हेल्प से नहीं, इनकी मेहनत से आओगा। हाँ यस, मेरी मेहनत थोड़ी, मेरी मेहनत तो लगेगी। लेकिन अगर आपको ऐसी शो देखना है वहां पे जाके आपको ऐसी रील बनाना है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। लेकिन अभी आपने फनी नहीं बोला गाइस, ये कंटेंट हम शूट कर रहे थे, थोड़ा फन भी में जा रहा था बट भाई एकदम सीरियस हो गया, वीडियो चालू नहीं रहा। सर सर क्यों ले जाते, देखो सर क्या मोटा है पूरा, गौर से देखना, देखो देखो पहले आप। देखा है मैंने, देखो इसको देखो, ये तो मैं चौथी में खेलता था। ओ ये देखो ऐसे ज्यादा दिखा रहे हैं, चेयर यहां रखते वहां पे कर ले। नहीं नहीं इधर ही कर, इधर इधर ही हो जाएगा। देखो कुछ होना नहीं दिया, लेकिन आता है तो करो। नहीं नहीं मारता है। गाइस आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर कुछ हो गया तो जो भी आप करोगे आप अपनी मर्जी से करोगे। ओए ओए, ये जो तुमने टॉप रॉक मारे ना, बाय रॉकी। एक 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 आप दोनों का रॉकी, बाय बाय रॉकी, बाय। मैं नहीं कर रहा। सो यस गाइस, आई हैव डन विद माय वर्कशॉप, तो इट वाज अ क्रेजी डे। तो जैसे हमेशा क्रेजी रहता है तो आज भी अच्छा रहा। एंड वी आर गोइंग फॉर द डिनर, पैकअप हो चुका है। तो होप ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अभी तो आने का होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। तो मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर। आ जाओ चलें, कोमे कोमे सियरा, कोमे सियरा, कोमे सियरा, जल कोमे सियरा। सियरा का मतलब सर, भाई ने ऐसे प्रोनाउंस कर दिया वेलकम को, वेलकम सर।